प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज क्लास 9 में हम साइंस की चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 1 को पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम सरल रेखा में गति के भाग 3 को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड। विज्ञान के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आप नवीं कक्षा में पहुंच गए हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। कभी आपने अपनी आसपास की वस्तुओं पर गौर किया है? आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब आप अगर साफ आसमान तले धूप सेक रहे हो तो पेड़ों को देख लीजिए, या बारिश में भीग रहे हो तो आप अपना छाता देख लीजिए, या फिर बारिश की बूंदों पर ही गौर कर लीजिए। इन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है, कुछ आकृति है, कुछ रंग है। और तो और, अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो कोहरा पड़ता है, यानी हवा का भी कुछ रंग हो सकता है। दुनिया में सभी वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी है जो उन्हें उनका रंग और आकार देता है, और उस सामग्री को वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और ये है चिट्टी, द रोबोट, जो विज्ञान में हमारी सहायता करेंगे। चलिए आज के विषय भी देख लेते हैं। ये है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, और अंत में उनकी अवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का कोई भी पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, मगर ये कण बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कणों का असली आकार कितना है ये तो ऐसे बताना मुश्किल है, पर थोड़ा सा आपको अंदाजा दे सकते हैं। जैसे आपने कोई दवाई वाली टैबलेट तो देखी ही होगी, उसे आप देख भी सकते हैं और छू भी। लेकिन जब आप पानी में उस टैबलेट को डाल देते हैं, वो खुलने लगती है और थोड़ी देर में गायब, यानी वो टैबलेट अपने पदार्थ के कणों में फैल गया है, जो हमें अब नहीं दिख पा रहा। आपकी पुस्तक में भी यही कहा है कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना के बाहर हैं। वैसे इस उदाहरण में आपने एक बात गौर की, टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों में मिल गए, यानी टैबलेट के कणों के लिए जगह थी पानी के पदार्थ के कणों में, या हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह है। और तो और, टैबलेट के पदार्थ के कण बिना किसी मदद के खुद ब खुद पानी के पदार्थ में मिल गए। आप देख भी सकते हैं किस तरह टैबलेट के बड़े कण पानी में ऊपर की ओर आ रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, और इसकी वजह है गतिज ऊर्जा, और ये ऊर्जा बढ़ भी जाती है तापमान के साथ। जैसे यहाँ उबलते पानी में आप देख सकते हैं, पानी उबलते समय इस उथल पुथल का कारण है कि पानी के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तापमान के साथ, जिससे सारे कण इधर उधर हो रहे हैं और पानी में उबाल दिख रहा है। और इसी ऊर्जा के कारण टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों के बीच में घुल सके हैं। और इस दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अच्छा, भी एक और चीज देखिए। आप सबने देखा कि टैबलेट के कण पानी में जाते ही फैल गए और टैबलेट पानी में घुल गई, मगर जब टैबलेट पानी में नहीं था तब तो उसके कण नहीं फैले, यानी कोई आकर्षण बल था इन कणों के बीच में। मगर ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट का चूरा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जहाँ बैठे हैं उस बेंच का चूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता।
बिना औजार के तो बिल्कुल भी नहीं। यानी आकर्षण बल तो है, लेकिन वो अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग मात्रा में लगता है। ये तो हुई पदार्थ के कणों की बात, चलिए पूरे पदार्थों को भी एक साथ देख लेते हैं। किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं ये? अभी हमने देखा कि टैबलेट को तो हम चुरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगा वो। और फिर बेंच को देखा, ये खुद से तो क्या हमसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, उन्हें ठोस वस्तुएं कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आप सबने रबर बैंड तो देखे ही होंगे, पतले पतले गोल गोल चीजों को बांधने के काम आते हैं, वही वाले। जब हम इसे खींचते हैं, इसका आकार बदल जाता है, और जैसे ही जोड़ते हैं ये वापस अपने आकार में आ जाता है। और अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो वह टूट जाता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार में परिवर्तन ना लाया जा सके, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब रबड़ बैंड को छोड़िए और चिट्टी को देखिए। यहाँ चिट्टी एक प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें वह टेस्ट ट्यूब से फ्लास्क में एक रसायन को डाल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रसायन टेस्ट ट्यूब में था तो वह टेस्ट ट्यूब के आकार का था, और जब फ्लास्क में आया तब फ्लास्क के आकार का हो गया। लेकिन वो रसायन वही है, उसका आयतन भी उतना ही है और वजन भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, कोई और फ्लास्क या बर्तन ले लीजिए, ये रसायन या फिर साधारण पानी भी बर्तन का ही आकार ले लेगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार तो नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है, उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। हमने ठोस अवस्था देख ली, द्रव्य अवस्था देख ली, लेकिन एक गैसीय अवस्था भी होती है, कहते हैं ये हवा, धुआं, ये सब है। अब हवा तो हमने देखी नहीं कभी, बस सांस मिली है। अच्छा हाँ, गुब्बारे याद है आपको? हवा ही तो भरी होती है उसमें, भले ही हवा दिख नहीं रही मगर हवा की वजह से ही गुब्बारा फूलता है। और अगर आपको मेलों में गुब्बारे वाला याद हो तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता था जिससे वो गुब्बारों में हवा भरता था। उस सिलेंडर में भी हवा ही भरती है, कभी मिले तो पूछना कौन सी गैस है उस सिलेंडर में। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव्य पदार्थ में थोड़ा ज्यादा, और गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा। अब उन गुब्बारों को ही याद कीजिए। अगर आप गुब्बारे को हर तरफ से दबाते हैं तो वो दबकर थोड़ा छोटा हो जाता है, अब ज्यादा दबाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ आकार तक छोटा होता है। यानी गैसीय पदार्थ में संपीड्यता काफी ज्यादा है, क्योंकि कणों के बीच में जगह भी ज्यादा है। आप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर ही ले लीजिए, जितने गुब्बारे उससे फुलाते हैं इतनी गैस तो नहीं आनी है उस सिलेंडर में बिना संपीड्यता के। अच्छा, और आप सभी को घर में खाने के समय से पहले ही खाने की खुशबू आती होगी, लेकिन रसोई घर से दूसरे कमरे तक ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना पकाते समय उस पकवान के कुछ कण धुएं में निकलने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं। अब जो वायु में कण हैं, वो काफी तीव्रता से फैल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। पर यदि रसोई में एक शरबत बनाया जा रहा हो या कोई मिठाई रखी हो तो क्या तब भी आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके कण वायु में नहीं मिल रहे हैं। संक्षेप में देखें तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण काफी तीव्रता से होता है, इसलिए खाने से धुआं उठते ही हमें महक आने लगती है, वो भी काफी दूर तक। और ये विसरण की तेजी का कारण कणों की गतिज ऊर्जा, जो ठोस और द्रव्य पदार्थों से काफी ज्यादा होती है, और गैसीय पदार्थों की संपीड्यता भी काफी ज्यादा होती है, जो हमने गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर में देखा, और रसोई घर वाला सिलेंडर भी वैसा ही होता है। तो ये हो गए हमारे तीन प्रकार के पदार्थ। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और विदा लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, और फिर जाना कि उन कणों के बीच काफी खाली जगह भी है। ये कण निरंतर गति में होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी होता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को भी जाना, ठोस, द्रव्य और गैसीय। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
चिट्टी और मैं फिर आएंगे इस पाठ पर और चर्चा करने। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं तात्क्षणिक वेग से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब औसत वेग हमें एक निश्चित समय अंतराल की जानकारी देता है। औसत वेग द्वारा यह नहीं पता चलता कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर अलग अलग समय पर कितनी है। मतलब औसत वेग द्वारा हमें अलग अलग समय पर गति की जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है और जैसा आपने देखा ये शुरू में विश्राम की अवस्था में थी, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, और ये लास्ट में वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गई। मतलब इसका वेग समय के साथ बदल रहा है। तो एक निश्चित समय पर
इसके वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसका सूत्र समझते हैं। किसी वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है यदि वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच का समयांतराल शून्य के निकट हो। चलिए हम औसत वेग का सूत्र लिखते हैं जिसमें लिमिट लगा देते हैं टाइम के लिए जीरो की तरफ। तो इसे लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो लिमिट की वजह से डेल्टा x चेंज हो जाता है dx एलिमेंट में और डेल्टा t चेंज हो जाता है dt एलिमेंट में और वेलोसिटी बन जाती है dx ओवर dt। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसकी पोजीशन है x बराबर 280-3t2। अगर a का मान 0.2 है जो कि एक नियतांक है और समय 1 सेकंड है तो हमें इस समय पर ताक्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यह सूत्र लगाते हैं v बराबर dx ओवर dt बराबर d बाई dt 280-3t2। तो जब हम 280-3t2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 2a-6t, जहां पर a की वैल्यू हम रखते हैं 0.2 और टाइम की वैल्यू रखते हैं 1 सेकंड। तो चलिए देखते हैं v बराबर 2a-6t बराबर 2×0.2-6×1 बराबर -5.6 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक चाल पर नजर डालते हैं। ताक्षणिक वेग का परिमाण ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए ताक्षणिक वेग का मान है v बराबर -5.6 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u = 5.6 मीटर पर सेकंड। यहां पर हमने ताक्षणिक वेग का केवल परिमाण लिया है इसलिए माइनस साइन नहीं आया है। एक और उदाहरण देखते हैं v = 6 मीटर पर सेकंड। इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u = 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड पहले से ही धनात्मक है इसलिए इस केस में ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल रेड होता है तब वहां गाड़ियां आके रुक जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं लाल गाड़ी रुक गई है। तो इसका अंतिम वेग हुआ 0 जबकि प्रारंभिक वेग का एक निश्चित मान था। तो यहां से हमें पता चलता है वेग समय के साथ परिवर्तित हो सकता है और इसी दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और औसत त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है m/s² और विमा होती है m0 l1 t-2। इसका सूत्र होता है a = v2-v1/t2-t1। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग है 40 m/s तथा अंतिम वेग है 60 m/s। इसी प्रकार प्रारंभिक समय है
6 सेकेंड और अंतिम समय है 8 सेकेंड। तो चलिए इसके लिए हम औसत त्वरण देखते हैं। औसत त्वरण का सूत्र है a बराबर v2 - v1 / t2 - t1। तो चलिए इस सूत्र में हम सभी चरों के मान रखते हैं। तो यहाँ पर आया 60 m/s - 40 m/s / 8 s - 6 s, जिसे हम लिख सकते हैं 20 m/s / 2 s, जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 10 m/s². तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण भी एक निश्चित समय पर डिफाइन किया जाता है। इसे एक निश्चित समय पर वेग और समय ग्राफ की स्पर्श रेखा के ढलान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो आइए अब हम इसका सूत्र देखते हैं। इसे हम लिखते हैं a बराबर लिमिट t→0 ∆v/∆t। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है जिसका वेग इस तरह से दिखाया है v = 480 - t², जहां पर a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 और t समय है जिसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। हमें यहां पर 1 सेकेंड पर ताक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र प्रयोग करते हैं, जो कि है a = dv/dt, जिसे हम लिख सकते हैं dy/dt 480 - t². और जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 4a - 2t। अब यहां पर हम a का और t का मान रखते हैं, जो कि इस तरह से है a = 4a - 2t = 4×(2 - 2×1)=6 m/s². तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है 6 m/s². तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। यहां पर पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच, जो इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो प्रदर्शित करता है कि वेग एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें त्वरण और समय का ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यहां पर ग्राफ में एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने औसत त्वरण का सूत्र इस प्रकार पढ़ा था, जो कि है a = v2 - v1 / t2 - t1। अब यहां पर त्वरण एक समान त्वरण है। चलिए मानते हैं t2 - t1 कुल समय अंतराल t के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 - v1 / t। यदि हम दोनों तरफ t से गुणा करें तो हमें मिलता है at = v2 - v1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v2 = v1 + at, जहां पर v2 अंतिम वेग है और v1 प्रारंभिक वेग है। और इस समीकरण को आपने न्यूटन की गति के समीकरण के रूप में भी पढ़ा होगा, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है v = u + at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं।
यदि वेग के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है तो त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कोई सरल रेखा नहीं है, इसलिए वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं है और इसी के कारण त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा ताक्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत एवं ताक्षणिक त्वरण, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा एक समान व असमान त्वरण। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, हमने क्लास 9 में आज साइंस के पाठ हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ा और फिजिक्स में हमने सरल रेखा में गति को पढ़ा। इन सभी वीडियो के साथ हमने इन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम सोशल साइंस के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे और क्लास 11 में हम केमिस्ट्री के पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं को जानेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।